हाय फ्रेंड, आज हम बनाएंगे स्वास्थ्य और सेहत से भरपूर तीतर करी। तो यहाँ पर हमने 500 ग्राम तीतर ले लिए हैं और इसके हमने 4 टुकड़े किए। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। आप चाहे तो 2 पीस या तो होल तीतर भी सेम इसी तरह से बना सकते हैं। तो तीतर को हमें यहाँ पर फ्राई करना है हल्का सा, तो इसे हमें कुछ देर के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। जब इस तरह से हल्का सा कलर आ जाए तो हमने निकाल लेना है। देखिए बस इतना, इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना। यही पैन में हम डालेंगे यहाँ पर 100 ग्राम प्याज और इसे हमें मिक्स करके थोड़ा सा भूनना है। और ये देखिए, इसके बाद इसमें हमने 25 से 30 कली लहसुन के लिए हैं और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, और इसे हमें हल्का कलर चेंज होने तक भून लेना है। चलिए ये भून चुके हैं। इसमें हमने 2 टमाटर डाले हैं और इसे हमें सॉफ्ट होने तक इसे भी पका लेना है। चलिए ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो बस इसे हमें निकाल करके इसे हमें पीस लेना है। इधर हमने कढ़ाई में 4 चम्मच तेल चढ़ाया था गरम होने के लिए। तेल गरम हो गए तो कुछ अखे गरम मसाले इसमें डाल दिए हैं, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी है। और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद के अनुसार हमने तीखी मिर्च लिए थे। और इसे हम तेल गरम तेल में हमने मिक्स किया और फौरन से हमने ये जो मसाला पीसे थे वो डाल देना है और इसे मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे, और भुना हुआ जीरा का पाउडर आधा चम्मच ऐड करेंगे। और इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें हमने तीतर को डाल देना है। ये बटेर के नाम से भी जाना जाता है और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है एक बारी फिर से। तो यहाँ पर हमने 6-7 मिनट के लिए तीतर को फिर से भून लिए हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए, रस्सा जितना चाहिए, उसके हिसाब से आप पानी डालिएगा। और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसमें हमने आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला और धनिया पत्ता भी इसमें हमने डाल दिए थे। और ये डाल करके देखिए, टोटल इसे हमने 15 मिनट पकाया है। आप इसे रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक और टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप टेस्टी खाएं और मस्त रहें। बाय बाय।